नमस्ते दोस्तों, आज हम ये जो फंक्शंस हैं इनके पर्टिकुलर पॉइंट पे देखेंगे कि कौन सी सिंगुलैरिटी है। तो ये चेक करने से पहले थोड़ा सा हम लोग रिवाइज करेंगे पोल के बारे में। पहला पॉइंट जो हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर कोई फंक्शन का पोल है किसी पॉइंट पे और वो पॉइंट अगर हम लोग फंक्शन में पुट करते हैं तो फंक्शन हमारा इनफाइनाइट हो जाता है। कहने का मतलब कि इफ एफ जेड कोई फंक्शन है जिसका पोल है किसी पॉइंट पे, हैज अ पोल एट जेड इक्वल टू ए, मान लीजिए जेड इक्वल टू ए पॉइंट है जहां पे फंक्शन का पोल है, देन जो फंक्शन है ये हमारा इनफाइनाइट हो जाएगा, यानी कि इसका मैग्नीट्यूड, इसका मॉड इनफाइनाइट हो जाएगा जैसे जैसे हमारा जो जेड है वो पोल के पॉइंट के करीब आएगा। यानी कि जैसे जैसे हम पोल के पॉइंट के करीब जाएंगे फंक्शन हमारा इनफाइनाइट होने लगेगा। तो ये चीज हम लोगों को पता है। अब दूसरी बात कि अगर हमारा कोई फंक्शन इस फॉर्म का है, पी जेड अपॉन क्यू जेड फॉर्म का, यानी कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, और मान लीजिए हमारे ये जो दो फंक्शन दिए हुए हैं न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में, ये एनालिटिक है, वेयर पी जेड क्यू जेड आर एनालिटिक एनालिटिक एट पॉइंट जेड इक्वल टू जेड नॉट। जेड इक्वल टू जेड नॉट एक पॉइंट है जहां पे हमारे पी जेड और क्यू जेड एनालिटिक है, ये माना हमने। और एक शर्त और रख दी कि जो हमारा पी जेड नॉट है ये नॉट इक्वल टू जीरो है। यहां पे इसको क्लियरली हम लिख देते हैं जिससे आपको समझ में आ जाए, यानी कि जो पी जेड नॉट है नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो आप समझ सकते हैं लिखा हुआ है। फिर हम लोगों ने एक चीज और पढ़ी थी कि अगर हमारे न्यूमरेटर कुछ नॉन जीरो हो, नॉन जीरो फाइनाइट, कुछ फाइनाइट नॉन जीरो हमारा न्यूमरेटर हो और डिनोमिनेटर हमारा अगर जीरो हो जाए तो ये हमारा इनफाइनाइट हो जाता है। यानी कि अगर समथिंग अपॉन जीरो ये हमारा क्या होगा, इनफाइनाइट। तो जब हमारा अगर कोई पॉइंट, तो अगर मान ले कि जेड इक्वल टू जेड नॉट एक हमारा ऐसा पॉइंट है जहां पे पी जेड नॉट तो हमारा नॉन जीरो है, एक फाइनाइट नॉन जीरो है, और ये जो जेड नॉट है ये जीरो हो, इज अ जीरो ऑफ क्यू जेड, अगर ये जीरो है क्यू जेड का तो यानी कि ये पॉइंट पुट करेंगे तो जीरो आएगा। यानी कि जेड नॉट पॉइंट अगर हम क्यू जेड में पुट कर रहे हैं तो फंक्शन हमारा जीरो हो रहा है। तो ये जीरो हो रहा है, ऊपर कुछ फाइनाइट नॉन जीरो है तो ये इनफाइनाइट हो रहा है। तो ये जो सिस्टम बताएगा वो ये बताएगा कि फंक्शन हमारा इनफाइनाइट हो रहा है, और जब फंक्शन हमारा इनफाइनाइट हो रहा है तो हमारी सिंगुलैरिटी कौन सी होगी, पोल। यानी कि अगर कोई हमारा फंक्शन पी जेड अपॉन क्यू जेड फॉर्म का है और क्यू जेड अगर हमारा जीरो हो जाए तो ये हो जाएगा समथिंग अपॉन जीरो, तो इनफाइनाइट हो जाएगा फंक्शन, और जब फंक्शन हमारा इनफाइनाइट हो जाएगा तो हमारी सिंगुलैरिटी कौन सी होगी, पोल। तो हम कह सकते हैं कि अगर हम कहते हैं कि देन एट दी पॉइंट जेड इक्वल टू जेड नॉट, ये जो पॉइंट है जेड इक्वल टू जेड नॉट, यहां पे हम कह रहे हैं अगर हम कहते हैं कि एफ जेड यानी कि पी जेड अपॉन क्यू जेड हैज अ पोल ऑफ ऑर्डर एम, अगर हम कहते हैं कि जो पॉइंट जेड इक्वल टू जेड नॉट है ये पोल है ये फंक्शन का, तो ये क्या इंप्लाई कर रहा है कि ये पॉइंट क्यू जेड के लिए जीरो का काम करेगा। क्यू जेड हैज अ जीरो ऑफ ऑर्डर एम, क्योंकि हम लोगों ने एक थ्योरम पढ़ी थी उसका प्रूफ भी देखा था कि अगर कोई फंक्शन का पोल है, एफ जेड हैज अ पोल एट जेड इक्वल टू ए, तो अगर इसी फंक्शन का अगर हम लोग रेसिप्रोकल ले लें तो ये वन अपॉन एफ जेड हो जाएगा। तो यही जो पॉइंट जो पोल का काम कर रहा है वो इस फंक्शन के लिए रेसिप्रोकल फंक्शन के लिए जीरो का काम करेगा, देन वन अपॉन एफ जेड हैज अ जीरो
एट z इक्वल टू a। तो अगर हम यहां से अप्लाई करता है कि qz, ये जो पॉइंट है z इक्वल टू z नॉट, ये अगर जीरो है किसी ऑर्डर m का, तो ये इंप्लाई ये करेगा कि ये फंक्शन जो है pz अपॉन qz, इसके पास पोल है इसी पॉइंट पे, क्योंकि यहां पे qz है और यहां पे qz का रेसिप्रोकल है। तो एक चीज हम लोग यहां से क्लियर हो गए कि अगर हमारा फंक्शन इस फॉर्म का है pz अपॉन qz फॉर्म का, और अगर हम डिनोमिनेटर को जीरो कर दें तो फंक्शन इनफाइनाइट हो जाएगा, और अगर फंक्शन इनफाइनाइट होगा तो हमारी सिंगुलरिटी कैसी होगी, पोल होगी। तो चलिए ये कॉन्सेप्ट और थोड़ी बातें करने के बाद हम लोग अब ये सॉल्यूशंस करते हैं, यानी कि ये प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला है हमारा cot πz अपॉन z माइनस a का होल स्क्वायर। तो लेट fz इक्वल टू cot πz z माइनस a का होल स्क्वायर। आप इसको ये भी लिख सकते हैं cos πz z sin πz z जेड माइनस ए का होल स्क्वायर। अगर आप ध्यान से देखें तो फंक्शन हमारा इस फॉर्म में है pz अपॉन qz फॉर्म में, pz अपॉन qz फॉर्म में है। तो अगर हमारा जो डिनोमिनेटर है इसको अगर हम जीरो कर दें तो फंक्शन हमारा इनफाइनाइट हो जाएगा, और फंक्शन अगर हमारा इनफाइनाइट हो रहा है डिनोमिनेटर को जीरो करने पे, तो सिंगुलरिटी बच्चों हमारी कौन सी होगी, पोल। तो हम लोगों को एक चीज तो क्लियर हो गई कि हमारी जो सिंगुलरिटी है वो पोल होगी, क्या करने से, डिनोमिनेटर को जीरो करने से। तो हम कह सकते हैं कि पोल्स ऑफ एफ जेड आर ऑप्टेन्ड बाय इक्वेटिंग टू जीरो the denominator of fz, यानी कि जो fz का है उसके denominator को zero कर देंगे तो हमें function के poles मिल जाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि then we have sin pi z z माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो। सो या तो हमारा साइन पाई जेड जीरो होगा, या तो फिर z माइनस ए का होल स्क्वायर जीरो होगा। नाउ ये जो साइन पाई जेड है इक्वल टू जीरो है, इसको हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं साइन n पाई से। कैसे, अगर आप देखें ये अगर जीरो है, ये पाई बाय टू है, ये पाई है, ये थ्री पाई बाय टू है, ये टू पाई है, यहां पे माइनस पाई बाय टू है, माइनस पाई है, माइनस थ्री पाई बाय टू है, तो हमारा जो साइन फंक्शन होता है वो जीरो पे जीरो, पाई बाय टू पे वन, पाई पे जीरो, थ्री पाई बाय टू पे माइनस वन, टू पाई पे जीरो, और ऐसे चलता चला जाता है, क्योंकि हमारा ये फंक्शन जो साइन है वो पीरियोडिक होता है विद पीरियड टू पाई। माइनस पाई बाई टू पे माइनस वन, माइनस पाई पे जीरो, फिर जो माइनस थ्री पाई बाई टू है इस पे वन, फिर ऐसे चलता चला जाएगा ये हमारा फंक्शन। तो अगर आप देखें पाई हुआ, टू पाई हुआ, माइनस पाई हुआ, यहां पे हमारा साइन जीरो हो रहा है, जीरो पे हमारा जीरो हो रहा है, तो हम लोग इस जीरो को रिप्लेस कर सकते हैं साइन एन पाई से, जहां पे एन हमारा एक इंटीजर है। तो इंप्लाई क्या कर रहा है, पाई जेड इक्वल टू एन पाई, तो जेड इक्वल टू एन, वेयर एन इज एनी इंटीजर, एन हमारा कोई इंटीजर है। अब दूसरा केस, z माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो, तो ये इंप्लाई कर रहा है कि z इक्वल टू ए कॉमा ए। तो हमें यहां से एक चीज पता चल गई कि जो हमारे पोल्स हैं वो हमारा z इक्वल टू ए, हमारा पोल है कि किस ऑर्डर का, ऑर्डर टू का।
तो हम कह सकते हैं कि हैंस z इक्वल टू a इज अ डबल पोल एंड z इक्वल टू 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 ऐसे सो ऑन चलता चला जाएगा। ये हमारे सिंपल पोल्स हैं, आर सिंपल पोल्स। अगर आप ये पॉइंट्स देखिए सारे पोल्स हैं, तो यहां पे एक हमारा सीक्वेंस बन गया जिसका जनरल टर्म है एन, और इसमें एक सारे जो पॉइंट्स है ये हमारे दिए हुए प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 ऐसे चलते चले जा रहे हैं। तो ये जो सीक्वेंस है पोल्स का, ये यहां पे कौन सा पोल्स सीक्वेंस है, पोल्स का सीक्वेंस है। तो इसका लिमिट पॉइंट निकालने का क्या तरीका है, लिमिट पॉइंट निकालने का क्या तरीका है कि लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी और सीक्वेंस का जनरल टर्म, यहां पे सीक्वेंस का जनरल टर्म है n, तो ये हो गया इनफाइनाइट। तो यानी कि ये जो सीक्वेंस है पोल्स का, इसका लिमिट पॉइंट क्या आया, इनफाइनाइट। तो हम कह सकते हैं कि z इक्वल टू इनफाइनाइट इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ दीज सिंपल पोल्स। हमसे z इक्वल टू 0 और z इक्वल टू इनफाइनाइट पे टाइप्स ऑफ सिंगुलैरिटी पूछ रहे हैं। तो z इक्वल टू 0 पे हमारी सिंगुलैरिटी हमारी सिंपल पोल है। अब हमें पता करनी है कि z इक्वल टू इनफाइनाइट पे हमारी कौन सी सिंगुलैरिटी है। तो बच्चों, हमने इससे पहले वाले वीडियो में आपको एक थ्योरम बताई थी, और उसके बस हमने थ्योरम ही बताई थी क्योंकि उसमें मेरा मेन फोकस ये था कि जब मैं आपको ये प्रॉब्लम्स कराऊं तो आपको स्टेटमेंट बताऊं, क्योंकि उसमें मैंने उसमें डिटेल्ड वे में डिस्कस किया है। तो वो ये था कि अगर लिमिट पॉइंट ऑफ अ सीक्वेंस ऑफ पोल्स, अगर कोई पोल का सीक्वेंस है तो उसका जो लिमिट पॉइंट होगा ऑफ अ फंक्शन fz, मान लीजिए कोई फंक्शन fz है, उसके बहुत सारे पोल्स हैं, उसका जो सीक्वेंस ऑफ पोल्स है यानी कि जो पोल्स का सीक्वेंस है उसका जो लिमिट पॉइंट होगा उसकी जो सिंगुलैरिटी होगी वो होगी नॉन आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलैरिटी। यानी कि जो अगर बताते हैं, मैं लिख दूं स्टेटमेंट फिर आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं कि अगर कोई सीक्वेंस है पोल्स का, उसका अगर आप लिमिट पॉइंट निकालें तो वो जो लिमिट पॉइंट होगा सीक्वेंस ऑफ पोल्स का उसकी जो सिंगुलैरिटी होगी वो होगी नॉन आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलैरिटी। तो हम कह सकते हैं कि हैंस z इक्वल टू इनफाइनाइट जो है हमारा ये जो फंक्शन है fz, वहां पे हमारा जो सिंगुलैरिटी होगी वो होगी इज अ नॉन आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलैरिटी, नॉन आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलैरिटी होगी। अगर आपको ये थ्योरम है इसका प्रूफ देखना है तो ऊपर आई बटन दिख रही होगी, आप उस पर क्लिक करके आप उसको जरूर देखिए। अब हम लोग बात करते हैं दूसरे एग्जांपल में। तो यहां पे हमने फंक्शन को फिर से fz माना जो कि है cosec 1 अपॉन z, z इक्वल टू 0 पे हमसे टाइप्स ऑफ सिंगुलैरिटी पूछ है। तो cosec को हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन 1 अपॉन z। अभी भी हमारा फंक्शन किस फॉर्म में है, pz अपॉन qz फॉर्म में। तो अगर हम लोग डिनोमिनेटर को जीरो कर दें तो फंक्शन हमारा इनफाइनाइट हो जाएगा, और जब फंक्शन हमारा इनफाइनाइट हो जाएगा तो कौन सी सिंगुलैरिटी होगी, पोल्स। तो हम कह सकते हैं कि पोल्स ऑफ fz आर
given by sine 1 upon z equal to 0. तो अभी हम लोगों ने सीखा कि जो 0 है उसको हम लोग किससे रिप्लेस कर सकते हैं, साइन एन पाई से. तो यहां पे आएगा 1 अपॉन z इक्वल टू एन पाई. अब इसको हम लोग रेसिप्रोकल कर देंगे तो आएगा z इक्वल टू 1 अपॉन एन पाई. तो अब कह सकते हैं कि हेंस z इक्वल टू 1 अपॉन एन पाई वेयर n इज एनी इंटीजर. n हमारा कोई इंटीजर है. वेयर n इज एनी इंटीजर. ये हमारे क्या हुए, पोल्स हुए, सीक्वेंस यानी कि बहुत सारे पॉइंट. यानी कि अगर आप देखें तो प्लस माइनस 1 अपॉन पाई, प्लस माइनस 1 अपॉन 2 पाई और ऐसे चलते चले जाएंगे. तो ये भी हमारा सीक्वेंस है जिसका जनरल टर्म क्या है, 1 अपॉन एन पाई. ये भी हमारा क्या है, पोल्स है. यानी कि हमारा पोल्स जो आए वो z इक्वल टू 1 अपॉन एन पाई आए. तो ये जो सीक्वेंस है ऑफ पोल्स, इसका अगर आप लिमिट पॉइंट निकालें, लिमिट पॉइंट, तो वो होगा हमारा लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी सीक्वेंस का जनरल टर्म 1 अपॉन एन पाई. तो ये आया 0, क्योंकि 1 अपॉन इनफाइनाइट क्या होता है बच्चों, 0 होता है. तो यहां पे हमारा z इक्वल टू 0 इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ दीज पोल्स. यानी कि ये जो ये बहुत सारे पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स क्या हैं, ये पोल्स हैं. यानी कि इन पॉइंट्स को अगर फंक्शन में पुट करेंगे तो फंक्शन हमारा इनफाइनाइट हो जाएगा. तो ये क्या हुए, बहुत सारे पोल्स. तो इनका जो सीक्वेंस है उसका जो z इक्वल टू 0 है, ये लिमिट पॉइंट है, इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ दीज पोल्स. यानी कि ये जो पोल्स है इनका लिमिट पॉइंट क्या आया, z इक्वल टू 0. और अभी हम लोगों ने देखा कि जो सीक्वेंस ऑफ पोल्स होते हैं उसका जो लिमिट पॉइंट होता है उसकी सिंगुलैरिटी क्या होती है, नॉन आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलैरिटी. तो हम कह सकते हैं कि z इक्वल टू 0 पे फंक्शन की जो सिंगुलैरिटी है, z इक्वल टू 0 इज अ नॉन आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलैरिटी. क्योंकि बोर्ड छोटा है तो ये थर्ड एग्जाम्पल मैं आपको रब करके अच्छे से कराता हूं, ठीक है. चलिए अब हम लोग थर्ड एग्जाम्पल करते हैं. तो इसको भी हम लोग लेट करते हैं कि लेट, अब हम लोग थर्ड वाला सॉल्व कर रहे हैं बच्चों. तो लेट एफ जेड इक्वल टू 10 1 अपॉन जेड. इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन 1 अपॉन जेड कॉस 1 अपॉन जेड. अभी भी हमारा फंक्शन किस फॉर्म में है, पीजेड अपॉन क्यूजेड फॉर्म में. तो अगर हम लोग डिनोमिनेटर को जीरो कर दें तो समथिंग अपॉन जीरो हमारा इनफाइनाइट होगा. और अगर हमारा फंक्शन इनफाइनाइट हो रहा है तो कौन सी सिंगुलैरिटी होगी, पोल. तो हम कह सकते हैं कि पोल्स ऑफ एफ जेड आर गिवेन बाय जो कॉस वाला यानी कि जो डिनोमिनेटर पार्ट है इसको आप जीरो के इक्वल कर दें. जैसे मैंने आपको साइन में बताया वैसे मैं आपको इस छोटा शॉर्ट में कॉस के लिए भी बता दूं कि जैसे ये जीरो है, ये पाई बाई टू है, ये हमारा पाई है, ये हमारा थ्री पाई बाई टू है, ये हमारा टू पाई है, ये हमारा माइनस पाई बाई टू है, ये हमारा माइनस पाई है. तो हमारा जो ये फंक्शन है जीरो पे वन होता है, कॉस के लिए है, ठीक है. पाई बाई टू पे जीरो होता है, पाई पे हमारा माइनस वन होता है, यानी कि कुछ ऐसे चलता है. थ्री बाई पाई टू पे जीरो होता है, टू पाई पे हमारा वन होता है, और यहां पे भी ऐसे चलता है कि माइनस पाई बाई टू पे जीरो हो जाता है, ठीक है. और जो पाई है यहां पे हमारा वन होता है, फिर यहां से चलते चलते यहां से वन, फिर यहां पे आएगा माइनस थ्री पाई बाई टू, यहां पे हमारा जीरो हो जाएगा.
और ऐसे चलता जाएगा। तो आप नोटिस करें कि हमारा फंक्शन पाई बाई टू, थ्री पाई बाई टू, माइनस पाई बाई टू, माइनस थ्री पाई बाई टू, यहां पे हमारा फंक्शन जीरो हो रहा है। तो हम लोग इसको इन जनरल अगर लिखें कि कॉस वन अपॉन जेड, तो इस जीरो को हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं कॉस टू एन पाई, क्योंकि जो कॉस है इसका भी पीरियड टू पाई होता है, प्लस पाई बाई टू। और यहां पे जो एन है ये हमारा इंटीजर है, तो वन अपॉन जेड इक्वल टू टू एन पाई प्लस पाई बाई टू। अब हम लोग रेसिप्रोकल कर देंगे, तो जेड इक्वल टू टू एन पाई प्लस पाई बाई टू। यहां पे एन क्या है, एक इंटीजर, वेयर एन इज एनी इंटीजर। फिर से हमारे बहुत सारे पॉइंट्स है, और ये पॉइंट्स क्या है, पोल्स। तो इसका ये जो सीक्वेंस है ये बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, तो ये जो सीक्वेंस होगा यानी कि ये जो पोल्स का जो सीक्वेंस होगा इसका ये जनरल पॉइंट है। तो लिमिट पॉइंट निकालने का तरीका क्या है बच्चों, लिमिट पॉइंट निकालने का तरीका है कि लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी वन अपॉन टू एन पाई प्लस पाई बाई टू, तो ये हमारा वन अपॉन इनफाइनाइट, ये हुआ जीरो। तो यानी कि जो जेड इक्वल टू जीरो है ये हमारा लिमिट पॉइंट होगा, ये जो बहुत सारी जो सीक्वेंस है पोल्स का उसका। तो कह सकते हैं कि जेड इक्वल टू जीरो इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ दीज पोल्स, दीज पोल्स कौन से, यहां पे ये सारे क्या है हमारा, बहुत सारे पॉइंट्स मिलेंगे जब एन की वैल्यू हम पुट करते जाएंगे तो बहुत सारे पॉइंट्स मिलेंगे, और ये सारे पॉइंट जब हम लोग फंक्शन में पुट कर रहे हैं तो फंक्शन हमारा इनफाइनाइट हो जाएगा। तो इससे हमने ये जो बहुत सारे कलेक्शंस ऑफ जो पोल्स है इनका जो सीक्वेंस है उसका जो लिमिट पॉइंट है वो जेड इक्वल टू जीरो आया। अभी हम लोगों ने फिर देखा कि जो सीक्वेंस ऑफ पोल्स होता है यानी कि पोल्स का जो सीक्वेंस होता है उसका लिमिट पॉइंट कि क्या सिंगुलैरिटी होती है, नॉन आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलैरिटी। और हमसे टेन वन अपॉन जेड के लिए जेड इक्वल टू जीरो पे सिंगुलैरिटी पूछ रहे हैं, तो जेड इक्वल टू जीरो पे हमारी कौन सी सिंगुलैरिटी होगी बच्चों, कि हेंस जेड इक्वल टू जीरो इज अ नॉन आइसोलेटेड आइसोलेटेड एसेंशियल एसेंशियल सिंगुलैरिटी। तो आज हम लोगों ने ये तीन एग्जाम्पल किए और ये चेक किया कि अगर हमारा फंक्शन पीजेड अपॉन क्यूजेड फॉर्म का होता है तो उसमें अगर हम लोग डिनोमिनेटर को जीरो कर दें तो हमारी जो सिंगुलैरिटी आती वो आती है पोल्स, क्योंकि पोल्स के लिए क्या होता है कि वो पॉइंट अगर हम लोग फंक्शन में पुट करते हैं तो फंक्शन हमारा इनफाइनाइट हो जाता है। वैसे तो मेरा और एग्जाम्पल कराने का मन है मगर थोड़ा सा वीडियो की लेंथ ज्यादा हो जाएगी, इसलिए आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। अगर आपको इन तीन में कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। थैंक यू।